तुर्की में एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी टुसास पर हमला हुआ है। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमला भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे हुआ। तुर्की के गृहमंत्री आली यरलिकाय ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि ये हमला राजधानी अंकारा से 40 किलोमीटर दूर कहरा मकानजान में हुआ है। सुरक्षा बलों ने 2 हमलावरों को मार भी गिराया है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि हमले के पीछे कौन है। हमलावर एक टैक्सी में यहां पहुंचे थे। यहां पहुंचकर उन्होंने पहले बम ब्लास्ट किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्सी में कुल 3 लोग सवार थे, इनमें एक महिला भी थी। इनमें से एक आत्मघाती हमलावर था जिसने खुद को बम से उड़ा दिया। बाकी 2 ने लोगों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। फिलहाल मौके पर सुरक्षा बलों, एम्बुलेंस और दमकल कर्मियों को भेजा गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस कंपनी में करीब 15,000 लोग काम करते थे।